हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम क्लास सिक्स इंग्लिश बुक हनी सिकल से चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये कहानी है पैट्रिक और एक एल्फ की। एल्फ मतलब जादुई बोना। तो क्या क्या होता कहानी में हम पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड पढ़ते हैं पहले इसमें क्या दिया है। डिस्कस इन द क्लास, कि आपको क्लास में इस विषय पर चर्चा करनी है। डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको अपना होमवर्क करना अच्छा लगता है। यू डू इट योर सेल्फ, क्या आप अपना होमवर्क खुद करते हैं। और डू यू गेट हेल्प, या फिर आप किसी की हेल्प लेते हैं। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, आपको आमतौर पर या नॉर्मली आपको क्या होमवर्क के रूप में क्या काम मिलता है। ये कहानी है अभी। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वो बोलता कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, उबाऊ काम है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, बल्कि वो होमवर्क करने की बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय, उम्र करने की बजाय वो हॉकी बास्केटबॉल खेलता रहता, वो निंटेंडो वीडियो गेम जो कि है वीडियो गेम खेलता रहता था। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके टीचर ने उसको कहा, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग। पैट्रिक अपना होमवर्क पूरा करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। लर्न ए थिंग मतलब कोई भी चीज़ नहीं सीख पाओगे। और ये वॉन्ट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट की, कंट्रैक्शन फॉर्म आपने पहले ही पढ़ा हुआ। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी था। समटाइम्स ही डिड फील, और कभी कभी उसको भी ऐसा ही लगता था, लाइक एन इग्नोरेमस, मानो कि वो कोई मूर्ख हो। इग्नोरेमस के जैसा उसको फील था कि मैं, उसको लगता कि मैं कोई मूर्ख हूँ, उसे मतलब कुछ भी नॉलेज नहीं है। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, हेटेड का मतलब नफरत करना, तो यहाँ हो जाएगा कि अच्छा नहीं लगना, कि उसको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था बस। देन वन डे ही फाउंड ए कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल, फिर एक दिन उसने एक बिल्ली को पाया एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते हुए। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने झपट्टा जल्दी से छीन लेना, मतलब एकदम से उसने झपट लिया उस गुड़िया को उस बिल्ली के मुंह से या उसके पंजों से। टू हिज सरप्राइज, और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, इट वॉज नॉट ए डॉल एट ऑल, कि ये तो बिल्कुल भी कोई गुड़िया नहीं है। बट ए मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज, बल्कि ये तो बिल्कुल सबसे छोटे आकार का एक आदमी था। He had a little wool shirt with old fashioned breeches. और उस आदमी ने एक छोटी ऊन की बनी हुई शर्ट पहन रखी थी, और उसके साथ साथ उसने एक ओल्ड फैशन ब्रीचेज होती है, हाफ पैंट या ट्राउजर जिसको हम बोलते हैं, हाफ ट्राउजर बोल लीजिए, कि वो एक पुराने फैशन की ब्रीचेज या हाफ पैंट पहन रखी थी। एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक विशेज, और उसने एक ऊंची लंबी ऊंची टोपी पहन रखी थी, जैसे कोई चुड़ैले, किसी आपने धारावाहिकों में देखा होगा नाटकों के अंदर, टीवी सीरियल के अंदर, चुड़ैल या जादूगर ने जो लंबी सी टोपी पहनी रहती है, वैसी ही टोपी उसने पहन रखी थी। ही येल्ड, वो चीखा या चिल्लाते हुए कहने लगा, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वापस उस बिल्ली को बिल्कुल मत देना। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा, आई प्रोमिस यू दैट, और मैं इसका तुमसे वादा करता हूँ, प्रोमिस करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है। हाउ लकी ही वाज, कि वो कितना भाग्यशाली था। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, ये तो उसके सारी समस्याओं का उत्तर मिल गया था, सारी समस्याओं का एक तरह से हल मिल गया था, समाधान मिल गया था। सो ही सेड, इसलिए वो बोला, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज, कि मैं ऐसा तभी करूंगा जब तुम मेरा सारा होमवर्क करो। और कब तक करना होमवर्क, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के अंत तक करना है, और जिसमें सिर्फ 35 दिन बाकी, मतलब 35 दिन 35 डेज तक तुम मेरा होमवर्क करोगे तो ही मैं ऐसा करूंगा। सेमेस्टर जो है वो दो बार जो साल में एग्जाम होते हैं उन्हें 6 महीने का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम फर्स्ट सेमेस्टर और दूसरे को दूसरा सेकेंड सेमेस्टर बोलते हैं। If you do a good enough job, और यदि तुमने अच्छे से काम किया, जो मतलब यहाँ काम से है, जो होमवर्क करा उसकी बात हो रही है, यदि तुमने मेरा होमवर्क अच्छे से किया, I could even get A's, A's का मतलब है ABCD जो ग्रेड होते हैं उसकी बात कर रहा, कि अगर तुमने अच्छे से मेरा काम किया तो मुझे A भी मिल सकता है या A+ भी मिल सकता है एक तरह से। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper, hamper होती है टोकरी, कोई टहनियों से बनी हुई टोकरी कम बोलते हैं, और डिस्कलॉथ होता है एक कपड़ा जिसकी सहायता से हम बर्तन मांजते या पोंछते हैं। तो जैसे आप किसी कपड़े को तोड़ एक तरह से मरोड़ कर या बर्तन साफ करने के बाद फेंक दो किसी टोकरी में, तो उसके अंदर जितनी सलोटें पड़ जाती है, ऐसे ही उस आदमी के चेहरे पर भी झुरियां सी पड़ गई ये सुनकर के, ये कैसे क्या विश मांगी इसने, होमवर्क करना पड़ेगा,
तो उसका चेहरा थोड़ा सा ऐसे ऐंठ गया मानो। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने दोनों पैर पटके या जमीन पर दोनों पैर मतलब मार एक तरह से, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपने दोनों मुट्ठियां उसने से बंद कर ली, मानो किसी वो लगड़ा झगड़ा करना चाहता हो, मानो कोई झगड़ा करना चाहता हो गुस्से में। जैसे ये फोटो में आपको दिया गया है इस तरह, इसको डबल्ड हिज फिस्ट हम बोलेंगे, एक फ्रेज है, इसका मतलब है टू बेंड फिंगर्स टू फाइट विद समवन, गुस्सा दिखाने के लिए उसने ऐसा किया। ही ग्रिमेस्ड, और उसने चेहरे गुस्से से मुंह भी बनाया, फोटो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ग्रिमेस ऐसा एक्सप्रेशन होता है। एंड स्काउड, स्काउड होता है फ्राउन, गुस्से में नाक भौंक सिकोड़ना, जैसे एकदम आपकी जो आईब्रोज हो थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं, आप उनको फैला लेते हो एक तरह से गुस्से के कारण। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और अपना होठ भी उसने सिकोड़ लिए, तो इस तरह के अजीब वो एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर बना रहा था, और वो अपनी एक अनिच्छा जाहिर कर रहा था कि उसको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसने वादा किया था। ओ एम आई कर्स्ड, अरे मुझे क्या ये शाप मिल गया है, मतलब मैं बहुत दुखी हूँ इस काम को तो तुमने मुझे बताया इसको लेकर, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इस काम को करूँगा, क्योंकि उसने वादा किया था करने का, तो उसने बोला कि मैं करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने शब्दों के अनुसार जैसा उसने कहा था, प्रोमिस किया था उसके अकॉर्डिंग ही, दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ मतलब होता है जादुई बुना बुना आदमी जिसके अंदर को जादुई शक्तियां भी हो, तो उसने बिगन शुरू कर दिया पैट्रिक्स होमवर्क, उसने पैट्रिक का होमवर्क काम करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, सिर्फ एक काम के सिवाय, एक प्रॉब्लम के सिवाय, ग्लिच मतलब कोई समस्या प्रॉब्लम बाधा कोई, और एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, कि एक समस्या के सिवाय उसने सारा काम कर दिया था, बाकी सारा ठीक चला था। वो समस्या क्या थी? द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो, कि एल्फ को कभी भी हमेशा पता ही नहीं होता था वट टू डू, कि करना क्या है, एंड ही नीडिड हेल्प, और उसे हेल्प की आवश्यकता होती थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वट टू डू एंड ही नीडिड हेल्प, एल्फ को कभी भी ये पता नहीं होता था कि इसको क्या करना, और उसे हमेशा सहायता की आवश्यकता होती थी। हेल्प मी, हेल्प मी, वो कहता कि मेरी सहायता करो, ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी सहायता करनी पड़ती, इन वट एवर वे, किसी भी तरह से उसको सहायता करनी पड़ती, लेकिन जैसे कोई बोल के कर दिया, बता दिया कि यहाँ से ऐसे कर लो, तो किसी न किसी प्रकार से उसको सहायता करनी ही पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विग्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, तो वाइल रीडिंग मतलब पढ़ने के दौरान, पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक होमवर्क पढ़ रहा था एल्फ, तो बोला स्क्विग्ड, स्क्विग्ड की मतलब होता है ची ची की आवाज, क्योंकि वो बहुत छोटा था तो उसकी आवाज को ची ची जैसी सुनाई दे रही थी, वैसे वो अपनी तरह इसको श्रिल वॉइस में बोल सकते हैं, तीखी आवाज में चिल्लाना होता है, लेकिन यहाँ पर उसके बाद थोड़ी सी हल्की सी थोड़ी सी उसके पास पहुंच रही थी, इसलिए हम उसको बोले चींची की आवाज़ करते, बोला गेट मी ए डिक्शनरी, कि मेरे लिए एक शब्दकोश लेकर आओ जहाँ से मैं इसका मीनिंग देख सकूँ, क्योंकि उसका मीनिंग उसको नहीं आ रहा था। तो फिर बोला नो व्हाट्स इवन बेटर, कि नहीं नहीं डिक्शनरी रहने दो, इससे भी अच्छा होगा, लुक अप द वर्ड, तुम इस शब्दों को देखो एंड साउंड इट आउट, और इसको तुम बोल कर सुनाओ मुझे, By each letter, एक एक अक्षर, तुम एक एक अक्षर बोल कर मेरे को सुनाओ, ये उससे बेटर रहेगा, डिक्शनरी को रहने दो। तो इस प्रकार वो उसकी हेल्प लेकर उसका काम पूरा करवाता है पैट्रिक का, कौन पूरा करवाता है, एल्फ। तो ये यहाँ तक हम पाठ अभी पढ़ेंगे, इसकी जो इंपॉर्टेंट वर्ब है वो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, जो खाली है उसको आपको डी या ई डी लगा करके कम्प्लीट हो जाएंगी, जो इरेगुलर वर्ब है वो मैंने करके दी, देखिए फील फेल्ट फेल्ट, हेट हेटेड हेटेड, फाइंड फाउंड फाउंड, ग्रैब ग्रैब्ड ग्रैब्ड, ग्रैब में बी डबल हो जाएगा, yell, yelled, yelled, wrinkle, wrinkled, wrinkled, throw, through, एक thrown होगा यहाँ पे, throw, through, thrown, hamper, hampered, hampered, hamper जो है वो noun के तौर पर आया है इस पाठ में, लेकिन ये hamper का मतलब बाधा डालना भी होता है, hamper यहाँ पर पाठ में टोकरी इसका अर्थ निकलेगा, ये कि verb भी होती है hamper, ठीक है, तो हमने ये भी लिख दिया, kick, kicked, kicked, grimace, grimaced, grimaced, scowl, scowled, scowled, curse, cursed, cursed, begin, began, begun, Squeak, squeaked, squeaked, prevent, prevented, prevented. Prevent मतलब रोकना, किसी काम में बाधा डालना, जैसे ग्लिच जो वर्ड था ना, ग्लिच एक प्रकार की कोई समस्या जो काम में बाधा डाले। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम इसके अगले भाग में बाकी बचा जो पार्ट है हमारा उसका हिंदी अनुवाद करके डालेंगे, तो तब तक के लिए वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।